मुसोलिनी का उदय समाजवाद से फासीवाद तक। बेनिटो मुसोलिनी, एक नाम जो फासीवाद का पर्याय बन गया। सत्ता तक का उनका सफर जटिल रहा है। 1883 में जन्मे मुसोलिनी ने समाजवादी के रूप में शुरुआत की थी। उन्होंने समाजवादी अखबार अवंती का संपादन किया। प्रथम विश्व युद्ध ने उन्हें बदल दिया। मुसोलिनी ने समाजवाद को त्याग दिया। युद्ध के बाद इटली अराजकता का सामना कर रहा था। लोग मोहभंग हो चुके थे। मुसोलिनी को एक अवसर दिखाई दिया। उन्होंने 1919 में फासीवादी पार्टी का गठन किया। मुसोलिनी का संदेश सरल था, व्यवस्था, अनुशासन और राष्ट्रीय गौरव। उन्होंने इटली को उसके पूर्व गौरव को बहाल करने का वादा किया। उनके उग्र भाषणों और करिश्माई व्यक्तित्व ने कई इटालियंस को प्रभावित किया। इटली में भय और अनिश्चितता व्याप्त हो गई। लोग बदलाव के लिए बेताब थे। 1922 में मुसोलिनी के फांसीवादी रोम पर चढ़ाई कर दी। राजा ने गृहयुद्ध के डर से मुसोलिनी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। इटली में लोकतंत्र खतरे में था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद के इटली की कल्पना कीजिए। देश उथल पुथल में था। अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी थी। महंगाई बेकाबू थी। बेरोजगारी चरम पर थी। दिग्गजों को घर लौटने पर नौकरियां नहीं मिली। हड़तालें और विरोध प्रदर्शन आम थे। लोग अपना गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इटली को युद्ध के बाद क्षेत्र हासिल होने की उम्मीद थी, लेकिन उन उम्मीदों पर पानी फिर गया। वर्साय की संधि, जिसने युद्ध को समाप्त कर दिया, को कई इटालियंस ने विश्वासघात के रूप में देखा। इटली ने ठगा हुआ और अपमानित महसूस किया। सरकार शक्तिहीन लग रही थी। ये भ्रष्टाचार और अक्षमता से ग्रस्त था। लोगों का लोकतांत्रिक व्यवस्था से विश्वास उठ गया। वे एक मजबूत नेता के लिए तरस रहे थे, कोई ऐसा व्यक्ति जो व्यवस्था और समृद्धि बहाल कर सके। यही वह उपजाऊ जमीन थी जिसमें मुसोलिनी के फांसीवाद ने जड़ें जमा ली। लोग बदलाव के लिए बेताब थे। वे कट्टरपंथी समाधान स्वीकार करने को तैयार थे, भले ही इसका मतलब उनकी स्वतंत्रता का त्याग करना ही क्यों ना हो। मुसोलिनी आर्थिक सुधार का वादा करके सत्ता में आए। वह इटली को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। उन्होंने कई महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किए। उनका पहला कदम उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना था। इसका मतलब था उन्हें राज्य के नियंत्रण में लाना। उन्होंने बड़े पैमाने पर लोक निर्माण परियोजनाएं भी शुरू की। इन परियोजनाओं का उद्देश्य रोजगार सृजित करना और बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण करना था। मुसोलिनी ने खेत बढ़ाने के लिए दलदली जमीनों को सुखाया। उन्होंने जलविद्युत शक्ति में भारी निवेश किया। नई सड़कें और रेलवे बनाई गई। ये परियोजनाएं महंगी तो थीं, लेकिन उन्होंने बहुत जरूरी रोजगार प्रदान किया। कीमतों और मजदूरी को नियंत्रित करने के लिए मुसोलिनी ने निगमों की स्थापना की। ये आधुनिक अर्थों में निगम नहीं थे, वे संगठन थे जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते थे। श्रमिकों, नियोक्ताओं और राज्य, सभी को मिलकर काम करना था। कम से कम सिद्धांत रूप में तो यही था। कॉरपोरेट राज्य, यह पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच तीसरे तरीके की मुसोलिनी की दृष्टि थी। उनका मानना था कि दोनों ही व्यवस्थाएं त्रुटिपूर्ण हैं। पूंजीवाद असमानता और वर्ग संघर्ष की ओर ले जाता है। साम्यवाद ने व्यक्तिगत पहल का गला घोंट दिया। मुसोलिनी के कॉरपोरेट राज्य में अर्थव्यवस्था को निगमित तर्ज पर व्यवस्थित किया जाएगा। अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र का अपना निगम होगा। ये निगम उत्पादन, कीमतों और मजदूरी को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार होंगे। विचार एक सामंजस्यपूर्ण समाज बनाने का था। एक ऐसा समाज जहां वर्ग संघर्ष खत्म हो जाए। अर्थव्यवस्था का मार्गदर्शन करने में राज्य एक केंद्रीय भूमिका निभाएगा। निजी संपत्ति की अनुमति थी, लेकिन यह राज्य के नियंत्रण के अधीन था। हकीकत में कॉरपोरेट राज्य मुसोलिनी के लिए अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने का एक उपकरण बन गया। निगमों का दबदबा फासीवादी पार्टी के वफादारों का था। उन्होंने शासन के हितों की सेवा की, जरूरी नहीं कि श्रमिकों या व्यवसायों के हित। भाग 5, लक्ष्य, व्यवस्था, नियंत्रण और राष्ट्रीय शक्ति। मुसोलिनी के आर्थिक सुधार केवल अर्थव्यवस्था को ठीक करने से कहीं अधिक थे। वे सत्ता को मजबूत करने के बारे में थे। वे इतालवी समाज को बदलने के बारे में थे। वे राष्ट्रीय गौरव हासिल करने के बारे में थे। नियंत्रण महत्वपूर्ण था। मुसोलिनी इतालवी जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करना चाहता था। अर्थव्यवस्था कोई अपवाद नहीं थी। अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करके वह लोगों को नियंत्रित कर सकता था। मुसोलिनी इटली को आत्मनिर्भर भी बनाना चाहता था। उनका मानना था कि एक मजबूत अर्थव्यवस्था एक मजबूत सेना के लिए जरूरी है। वह रोमन साम्राज्य के गौरव को बहाल करना चाहता था। इसका मतलब था इटली के क्षेत्र और प्रभाव का विस्तार करना। उनके सुधारों का उद्देश्य एक अनुशासित और सैन्यकृत समाज बनाना था। एक ऐसा समाज जहां व्यक्तिगत हित राज्य की आवश्यकताओं के अधीन हो।
एक ऐसा समाज जो जीतने और हावी होने के लिए तैयार हो। भाग 6, आर्थिक प्रभाव। अल्पकालिक लाभ, दीर्घकालिक पीड़ा। क्या मुसोलिनी के आर्थिक सुधारों ने काम किया? इसका जवाब जटिल है। अल्पावधि में कुछ सफलताएं मिली, बेरोजगारी में कमी आई, लोक निर्माण परियोजनाओं ने बुनियादी ढांचे में सुधार किया, इटली ने स्थिरता और प्रगति की छवि पेश की। हालांकि ये लाभ एक कीमत पर आए, कॉरपोरेट राज्य ने प्रतिस्पर्धा और नवाचार का गला घोंट दिया, नौकरशाही बढ़ गई, भ्रष्टाचार व्याप्त था, अधिकांश इटालियंस के जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ। लंबे समय में मुसोलिनी की आर्थिक नीतियां विनाशकारी साबित हुईं। इटली की अर्थव्यवस्था तेजी से राज्य पर निर्भर होती गई। जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा तो इटली लंबे संघर्ष के लिए तैयार नहीं था। युद्ध ने इटली की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। इसने मुसोलिनी की व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर किया। भाग 7, असहमति की आवाजें, मुसोलिनी के विजन का विरोध। मुसोलिनी के आर्थिक दृष्टिकोण को सभी ने स्वीकार नहीं किया, विरोध हुआ, लेकिन इसे बेरहमी से दबा दिया गया। ट्रेड यूनियनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, हड़तालों को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया, बोलने की आजादी कम कर दी गई, शासन की आलोचना करने वालों को खामोश कर दिया गया, उन्हें कैद कर लिया गया, निर्वासित कर दिया गया, या इससे भी बदतर, प्रेस को सेंसर कर दिया गया। प्रचार ने रेडियो तरंगों को भर दिया। इसने मुसोलिनी और उनकी उपलब्धियों का महिमा मंडन किया। जोखिमों के बावजूद कुछ बहादुर लोगों ने विरोध जारी रखा। भूमिगत आंदोलन गुप्त रूप से संचालित होते थे। उन्होंने फांसीवाद विरोधी साहित्य वितरित किया। उन्होंने शासन के प्रयासों को विफल कर दिया। अवज्ञा के इन कृत्यों की एक बड़ी व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन उन्होंने प्रतिरोध की भावना को जीवित रखा। भाग 8, फांसीवाद की चपेट। अर्थशास्त्र और विचारधारा आपस में जुड़े हुए हैं। मुसोलिनी की आर्थिक नीतियों को समझने के लिए हमें फांसीवाद को समझना होगा। फांसीवाद महज एक राजनीतिक व्यवस्था से कहीं बढ़कर है। यह एक विचारधारा है, यह जीने का एक तरीका है। फांसीवाद राज्य का महिमा मंडन करता है, यह राष्ट्रीय एकता और नस्लीय शुद्धता पर जोर देता है, यह लोकतंत्र, व्यक्तिवाद और शांतिवाद को खारिज करता है, यह राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हिंसा में विश्वास करता है। मुसोलिनी की आर्थिक नीतियां फांसीवादी विचारधारा से गहराई से जुड़ी हुई थीं। कॉरपोरेट राज्य केवल एक आर्थिक मॉडल नहीं था, यह समाज को नियंत्रित करने का एक तरीका था, यह व्यक्तियों को आज्ञाकारी नागरिकों में ढालने का एक तरीका था। राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता पर जोर भी फांसीवादी विचारधारा में निहित था। फांसीवादी राष्ट्रों के बीच निरंतर संघर्ष और प्रतिस्पर्धा में विश्वास करते हैं। आर्थिक आत्मनिर्भरता को सैन्य शक्ति के लिए आवश्यक माना जाता था। भाग 9, पीछे मुड़कर देखना, मुसोलिनी की आर्थिक विरासत। मुसोलिनी का आर्थिक प्रयोग विफल रहा। उनकी नीतियों के कारण ठहराव, भ्रष्टाचार और अंततः युद्ध हुआ। कॉरपोरेट राज्य ने उस सामंजस्यपूर्ण समाज का निर्माण नहीं किया जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। इसके बजाय इसने नवाचार का गला घोंट दिया और असंतोष को कुचल दिया। मुसोलिनी की विरासत एक सतर्क कहानी है। यह अनियंत्रित शक्ति के खतरों को दर्शाता है। यह अर्थव्यवस्था के हर पहलू को नियंत्रित करने की कोशिश की मूर्खता को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की कीमत पर आर्थिक समृद्धि हासिल नहीं की जा सकती है। अपनी विफलताओं के बावजूद मुसोलिनी का आर्थिक प्रयोग महत्वपूर्ण सबक देता है। यह हमें लोकतंत्र, मुक्त बाजार और व्यक्तिगत अधिकारों के महत्व की याद दिलाता है। यह हमें याद दिलाता है कि आर्थिक प्रगति सामाजिक न्याय के साथ साथ होनी चाहिए।